कहानी के शुरू में हमें रात दिखाई गई है जहाँ पर एक घर में एक लड़का किसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उस लड़के के आसपास बहुत सारा खून था, डेड बॉडीज थी, क्योंकि किसी ने उस लड़के की फैमिली को मार डाला था और वो लड़का सिर्फ अकेला ही जिंदा था। अब उसके हाथ में गन थी और वो भी उस किलर से बचने के लिए छुप रहा था, इसीलिए उस किलर से बचते हुए वो बेड के नीचे छुप जाता है। उस लड़के को अपने पास ही बहुत बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ दिखाई देता है और तभी उस बेड को कोई उठाकर फेंक देता है जिसके नीचे वो लड़का छुपा हुआ था। असल में वहाँ पर किलर था और वो उस लड़के को बीमार डालता है। फिर सीन एक लड़के पर शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली एक घर में अपनी मदर के साथ रहता था। चार्ली की मदर को अपने न्यू नेबर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपने घर का सारा गार्बेज बाहर उन लोगों के घर के सामने रखा हुआ था। इतनी ही देर में वहाँ पर चार्ली की फीमेल फ्रेंड आ जाती है। फिर वो लोग मिलकर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में चार्ली नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका एक फ्रेंड एब्सेंट है, इसीलिए चार्ली अपने दूसरे फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करता है, जिस पर चार्ली का फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद उसे कुछ ना कुछ हो गया है, तो इसीलिए हमें अपने फ्रेंड को ढूंढना चाहिए, जिस पर चार्ली कहता है कि कॉलेज ऑफ होने के बाद हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने जाएंगे। फिर चार्ली की मदर अपने उसी न्यू नेबर से बात कर रही होती है। इस न्यू नेबर का नाम जेरी था। फिर चार्ली की मदर जेरी को अपने बेटे और उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। सब लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर रहे थे। चार्ली की मदर को जेरी एक अच्छे दिल का इंसान लगा। इसके बाद जेरी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चार्ली की मदर कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इसने आज तक शादी क्यों नहीं की। इस बात पर वो लोग हंसने लगते हैं। चार्ली और उसका फ्रेंड अपने मिसिंग फ्रेंड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उसका मोबाइल भी पिछले कुछ दिनों से बंद ही आ रहा था, इसीलिए वो दोनों अपने फ्रेंड के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चार्ली का फ्रेंड अपने घर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे हमेशा ही तंग करता रहता था। इसी वजह से चार्ली का फ्रेंड उसे बचने के लिए जेरी के घर में घुस जाता है। वो वहाँ से भागते हुए टेरिस पर चला जाता है और फिर जेरी के घर के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है, जिस पर चार्ली का फ्रेंड उसे हेल्प मांगता है कि मुझे बाहर निकाल दीजिए। तब जेरी ऐसा ही करता है और वो भी स्विमिंग पूल में आ जाता है, लेकिन जेरी अचानक ही वैम्पायर बन जाता है और चार्ली के फ्रेंड को काट कर उसका सारा खून पी लेता है और उसे मार डालता है। फिर चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड साथ होते हैं। तभी चार्ली नोटिस करता है कि जेरी के घर में उसकी एक फीमेल फ्रेंड आई हुई है। चार्ली अपनी फीमेल फ्रेंड को बताता है कि मुझे जेरी थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो जेरी पर नजर रखता है। फिर अगले दिन जेरी अकेला ही अपने घर से बाहर आता है, उसके साथ उसकी फ्रेंड नहीं थी। इसी वजह से चार्ली को जेरी पर शक होता है और वो उसके घर में घुस जाता है। चार्ली जेरी की फ्रेंड को ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। वो जब उस रूम को चेक करता है तब जेरी की फीमेल फ्रेंड वहीं पर होती है। वो रूम लॉक था, लेकिन फिर भी चार्ली उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तभी अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए चार्ली जल्दी से छुप जाता है और तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है जो उस रूम को ओपन करके अपनी फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड का खून चूस कर उसे मार डालता है। और ये सब कुछ चार्ली अपनी आंखों से देख चुका था, इसीलिए वो डर गया था क्योंकि वैम्पायर्स के बारे में उसने सिर्फ बुक्स में ही पढ़ा था, लेकिन आज तो उसके सामने ही एक वैम्पायर खड़ा हुआ है जो कि उसका नेबर है। चार्ली घर आकर अपनी मदर को कहता है कि प्लीज जेरी से दूर रहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अब हालांकि चार्ली अपनी मदर को जेरी की रियलिटी बताना चाहता था कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन अब क्योंकि जेरी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसीलिए उसे पता था कि मेरी मदर मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। फिर चार्ली थिंकिंग करता है कि जेरी को आखिर कैसे रोका जाए, कैसे मारा जाए उसे। तभी चार्ली एक आदमी की डिटेल्स पढ़ता है जो कि एक वैम्पायर हंटर था, इसीलिए चार्ली उसे टाइम लेकर मिलने चला जाता है। इस वैम्पायर हंटर का नाम पीटर था जो कि एक काफी फेमस वैम्पायर हंटर था। चार्ली को उस पर बिलीव था कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा जिससे वो जेरी को मार डालेगा। चार्ली उस वैम्पायर हंटर यानी पीटर को सारी बात बता देता है। चार्ली बताता है कि उस वैम्पायर ने मेरी आंखों के सामने एक लड़की का खून चूस कर उसे मार डाला, लेकिन पीटर इस सारी बात को सिर्फ मजाक समझ रहा था और वो चार्ली को कहता है कि जाओ तुम घर चले जाओ। पीटर को ये सारी बात सिर्फ एक बनी बनाई कहानी लग रही थी और कुछ भी नहीं, लेकिन साथ साथ पीटर चार्ली को एक बात भी बताता है कि तुमने इस बात पर जरूर अमल करना है, और वो ये कि अगर वो आदमी सच में एक वैम्पायर है तो उसे कभी भी अपने घर आने के लिए इन्वाइट मत करना क्योंकि वैम्पायर्स किसी के भी परमिशन के बगैर उसके घर में जा नहीं सकते। लेकिन जेरी तो वक्त गुजरने के साथ साथ और ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। वो एक एक करके सबको अपना शिकार बनाता जा रहा था और अपने खून की प्यास बुझा रहा था, और वो दो फ्रेंड्स को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। टाइम के साथ साथ वो वैम्पायर्स का डर लोगों में बिठाता जा रहा था। फिर चार्ली का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर उसकी फीमेल फ्रेंड उसके घर पर आती है और वो चार्ली से पूछती है कि तुम अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। जिस पर चार्ली अपनी मदर और अपनी फ्रेंड को बताता है कि जेरी एक वैम्पायर है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है किसी लड़की का खून पीकर उसे मारते हुए। तभी घर के बाहर जेरी आ जाता है और उनके घर का दरवाजा बंद था। जेरी चार्ली की मदर को कहता है कि मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट कीजिए, जिस पर चार्ली अपनी मदर को कहता है कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगी, इसीलिए चार्ली की मदर जेरी को वहां से
जाने के लिए कहती है और तब जेरी बगैर माइंड किए वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो चार्ली के घर के गार्डन में जाता है। वहाँ जाकर वो जमीन को खोदने लगता है जहाँ से वो गैस की पाइप निकाल कर उसे काट देता है जिससे वहाँ पर गैस लीक होने लगती है और जेरी लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और चार्ली का घर जल जाता है। लेकिन फिर भी वो तीनों किसी तरह बच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि जेरी बाहर आकर कह रहा है कि अब तो तुम लोगों का घर ही नहीं रहा तो मुझे इनविटेशन देने की जरूरत भी नहीं है और मैं इनविटेशन तुमसे लेना भी नहीं चाहता। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इतनी आसानी से जेरी उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करता है और फिर वो अपनी गाड़ी चार्ली की गाड़ी के सामने लाकर खड़ी कर देता है और खुद आकर बाहर खड़ा हो जाता है। लेकिन चार्ली की मदर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर जेरी को ठोक देती है और अब जेरी उनकी गाड़ी के नीचे था और वो वहीं से ही गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी चार्ली की गाड़ी से टकरा जाती है। वो लोग अपने आसपास देखते हैं लेकिन जेरी उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो दूसरी गाड़ी वाला आदमी अपनी गाड़ी से बाहर आता है लेकिन तभी जेरी उस गाड़ी के नीचे से बाहर आ जाता है और अब तो वो अपने वैम्पायर रूप में भी आ गया था और वो उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। तब वो आदमी अपनी गाड़ी में चला जाता है लेकिन जेरी उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है और वो उसे काट कर उसका खून चूस लेता है और उसे मार डालता है। और अब जेरी चार्ली की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब चार्ली जेरी को एक क्रॉस दिखाकर डराने की कोशिश करता है लेकिन जेरी को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस क्रॉस को ही जला देता है। फिर वो जैसे ही चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब चार्ली की मदर एक बड़ी लकड़ी उसमें घुसा देती है जिससे जेरी तड़पने लगता है। लेकिन चार्ली जानता था कि थोड़ी देर तक वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगा, इसीलिए वो तीनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद चार्ली उस वैम्पायर हंटर पीटर से मिलने आता है। तब पीटर चार्ली से सॉरी बोलता है कि पहले मैंने तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं किया था। पीटर बताता है कि काफी सदियों से वैम्पायर्स भी इस दुनिया में पाए जाते हैं और ये वैम्पायर सारे इंसानों को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। तभी पीटर को किसी की कॉल आती है कि आपके लिए एक पार्सल आया है और वो अंदर आना चाहता है, इसीलिए पीटर उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि इतनी रात को पार्सल कौन लेकर आया होगा। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली का फ्रेंड आ जाता है जिसे जेरी एक वैम्पायर बना चुका था। उसे देखकर पीटर डर जाता है और वो एक रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। तब चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और चार्ली का वो वैम्पायर फ्रेंड उनके पीछे पड़ जाता है। तब चार्ली अपनी फीमेल फ्रेंड को वहाँ से भागने के लिए कहता है और अपने वैम्पायर फ्रेंड को अपने पीछे लगा लेता है, इसीलिए चार्ली की फीमेल फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। और तभी चार्ली की फीमेल फ्रेंड के सामने जेरी आ जाता है। तभी चार्ली की फीमेल फ्रेंड देखती है कि वहाँ पर हॉली वाटर पड़ा है, इसीलिए वो उस हॉली वाटर को जेरी के फेस पर फेंक देती है जिससे जेरी का फेस जलने लगता है और चार्ली की फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है। मीनवाइल चार्ली का वैम्पायर फ्रेंड उसे नीचे गिरा देता है और वो चार्ली को काट कर बस उसका खून पीने ही वाला था कि तभी चार्ली की फीमेल फ्रेंड आकर उस पर अटैक कर देती है जिससे चार्ली का वो वैम्पायर फ्रेंड गिर जाता है। चार्ली की फ्रेंड उसे कहती है कि देखो चार्ली, तुम्हारा फ्रेंड अभी एक वैम्पायर बन गया है तो प्लीज उसे मार दो वरना वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। और चार्ली ऐसा ही करता है। वो एक नोकदार लकड़ी को अपने फ्रेंड के दिल के आर पार कर देता है जिससे चार्ली का फ्रेंड जलकर वहीं पर ही मर जाता है। इसके बाद चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। तभी वो दोनों क्लब की एक पार्टी में चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग थे और तभी उनका पीछा करते हुए जेरी भी वहां पर आ जाता है। अब क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा लोग थे इसीलिए चार्ली और उसकी फीमेल फ्रेंड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और फिर जेरी चार्ली की फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि चार्ली अपनी फ्रेंड को बचा पाता जेरी उसे काट कर उसका खून पी लेता है। ये देखकर चार्ली को काफी अफसोस है। लेकिन अब क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद चार्ली पीटर के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम बुजदिल हो, तुम कोई बहादुर नहीं हो, तुम डरफोक हो, ना ही तुम कोई वैम्पायर हंटर हो और मेरी वैम्पायर फ्रेंड से बचने के लिए तुम एक रूम में जाकर छुप गए और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में चार्ली कहता है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है खुद को प्रूव करने का। पीटर कहता है कि जेरी को मारने के लिए पहले उसे जलाना पड़ेगा जिससे वो कमजोर हो जाएगा और बाद में एक नोकदार लकड़ी को उसके दिल के आर पार कर देंगे जिससे वो मर जाएगा और जैसे ही जेरी मरेगा वो सारे लोग बच जाएंगे जिसे उसने वैम्पायर बनाने के लिए जिंदा रखा हुआ है। इसका मतलब ये था कि चार्ली की फीमेल फ्रेंड अभी बच सकती थी। चार्ली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जेरी को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जला दूंगा तुम देखना। लेकिन रही बात नोकदार लकड़ी को उसके दिल के आर पार करने के, ये काम तुम करोगे। अब क्योंकि पीटर जानता था कि चार्ली अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता इसीलिए वो चार्ली की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन चार्ली सारे जरूरी हथियार और टूल्स लेकर जेरी के घर पर आ जाता है और उसके साथ पीटर भी आ गया था अपने सारे जरूरी हथियार लेकर। लेकिन तभी उन दोनों को चार्ली की फीमेल फ्रेंड की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो दोनों उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा था। लेकिन तभी वहाँ पर जेरी आकर पीटर पर अटैक कर देता है। यहाँ पर पीटर और चार्ली एक दूसरे से अलग हो गए थे और तभी जेरी अपना थोड़ा सा खून वहाँ पर गिराता है जिससे उसकी सारी वैम्पायर्स आर्मी जिंदा हो जाती है और वो जमीन से बाहर आने लगते हैं। अब पीटर वहाँ पर पूरी तरह फंस चुका था। चार्ली को अपनी फीमेल फ्रेंड मिल जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। लेकिन चार्ली जैसे ही अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाता है वो एक वैम्पायर बन जाती है और चार्ली पर अटैक
कर देती है। तब चार्ली एक नोकदार लकड़ी अपने फीमेल फ्रेंड में घुसा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरती, क्योंकि चार्ली ने वो नोकदार लकड़ी उसके दिल की आर पर नहीं की थी बल्कि उसकी बॉडी में की थी। इसके बाद चार्ली पीटर को बचाने जाता है, लेकिन तब तक वो वैम्पायर्स पीटर को काट चुके थे। तब चार्ली फ्लोर पर गोली चलाता है जिससे वहाँ पर सनलाइट आ जाती है, जिससे वो वैम्पायर्स जलने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पीटर अभी जिंदा था लेकिन वो काफी इंजर्ड था। इतनी ही देर में वहाँ पर जेरी आ जाता है जो कहता है, वेलकम टू फ्राइट नाइट, तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और लकड़ी को आर पार करके इतनी आसानी से मुझे मार दोगे। तभी चार्ली को रियलाइज होता है कि जेरी एक वैम्पायर है, इसीलिए वो भी सनलाइट से डरता है। इतनी ही देर में वहाँ पर चार्ली की फीमेल फ्रेंड भी आ जाती है। तब जेरी चार्ली को बताता है कि कुछ देर तक तुम्हारी फीमेल फ्रेंड भी पूरी तरह वैम्पायर बन जाएगी। तभी चार्ली अपने फेस पर मास्क और ग्लासेस लगा लेता है और अपनी पूरी बॉडी को एक सूट पहनकर कवर कर लेता है, और वो अपना पूरा प्लान पीटर को भी समझा चुका था। और वो खुद को आग लगा कर जेरी की तरफ भागता है और उसे पकड़ कर नीचे गिर जाता है और एक हुक के जरिए खुद को मजबूती से जेरी के साथ बांध लेता है। और अब जेरी की पूरी बॉडी पर आग फैलने लगी थी, उनके प्लान के मुताबिक उसे पहले जलाना था। तब जेरी खुद को काफी आजाद करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी पीटर अपने पास पड़ी हुई गन से छत पर शूट करता है जिससे वो सारी छत गिरने लगती है और सूरज की रोशनी उस रूम में चारों तरफ फैल जाती है। अब जेरी सूरज की रोशनी से बुरी तरह से जलने लगता है। तभी पीटर अपने पास रखी हुई नोकदार लकड़ी चार्ली को देता है। अब जलने की वजह से जेरी का दिल साफ साफ नजर आ रहा था और चार्ली उस नोकदार लकड़ी को जेरी के दिल में घुसा देता है, जिससे जेरी जलते जलते डस्ट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो मर जाता है। उसके मरते ही वो सारे लोग बच जाते हैं जो अभी तक वैम्पायर नहीं बने थे, यानी जेरी को मारकर चार्ली ने पीटर और अपने दोनों फ्रेंड्स को भी बचा लिया था। और जेरी के खात्मे के साथ ही इस मूवी का भी यहीं पर द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।